नमस्कार, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, ये स्प्लेंडर प्लस गाड़ी आई है हमारे पास। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि चार्जर ऑन करेंगे पहले और इंडिकेटर का ये जो बटन है इसको ऑन करेंगे। और ये देखिए, बाएं साइड का इंडिकेटर जल रहा है और दाहिने साइड जब हम जलाएंगे तो ये दाहिने साइड का इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो अगर कहीं वायरिंग से अगर होता, बाएं साइड का भी इंडिकेटर नहीं जलता। हॉर्न डीपर स्विच है, समस्या दोस्तों इसी के अंदर से है। हॉर्न स्विच को जो है खोलेंगे। इंडिकेटर का बटन है तो इसको बाहर निकालेंगे ऐसे पेचकस की मदद से। और फिर इसके अंदर देखेंगे क्या समस्या है। दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। रेगमाल से साफ करेंगे, अच्छे से साफ कर देंगे। जय थे मिस्त्री, कस्टमर आ गया। देखिए, साफ हो गया है। तो दोस्तों, स्विच को फिट करेंगे वैसे। दोस्तों, स्विच को मैंने फिट कर दिया है और अब इंडिकेटर फिर जला के देखेंगे। ये बाएं साइड का इंडिकेटर जल रहा है, ये साइड का इंडिकेटर जल रहा है। और फिर जलाएंगे बाएं साइड और फिर जलाएंगे दाहिने साइड। तो दोनों साइड के दोस्तों इंडिकेटर जलने लगे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अगर समस्या आए तो जैसे आपने देखा है दोस्तों, इसी प्रकार से वे सही कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।